हाय, दिस इज मी हसन। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर में मॉडिफायर टूल्स की। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल मेन्यू, ओपन। एक फाइल अपने पास मैंने ओपन की है। मॉडिफायर टूल्स के अंदर आपके पास में जो टूल्स इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास में स्केल टूल है। आप किसी भी टूल के ऊपर अपना माउस पॉइंटर प्लेस करते हैं तो ये आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता है, जिसमें इसका नाम और शॉर्टकट की शामिल है। मेरे पास में इस वक्त में एक आर्टवर्क स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास में ये जो ब्लू आउटलाइन नज़र आ रही है, इसको हम बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। ये बाउंडिंग बॉक्स आपको किसी भी सिलेक्टेड स्टेट को स्केल करने में हेल्प करता है, अगर आप कॉर्नर ग्रिप से इसको ग्रैब करते हैं। इस वक्त में ये बैलेंस्ड स्केल नहीं हो रहा है। विड्थ और हाइट मेरी ड्रैग करने की वैल्यू को प्रेफर कर रही। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट ऑफ स्केल है ये बैलेंस रहे, आई हैव टू प्रेस शिफ्ट फ्रॉम कीबोर्ड। अब ये कंस्ट्रेन रहेगी, प्रोपोर्शनल रहेगी। मैं विड्थ बढ़ाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी, मैं हाइट कम करूंगा तो विड्थ एडजस्ट। ये नॉन ट्रेडिशनल वे है इन इलस्ट्रेटर टू स्केल अप एनीथिंग। इसी तरह अगर आप कॉर्नर पे अपने माउस पॉइंटर को प्लेस करते हैं तो ये आपको रोटेशन में हेल्प देता है। जैसे कि मेरे पास जो आर्टवर्क मौजूद है, इसकी जो शेप है ये सर्कुलर है और रोटेट करने पे मुझे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजिशन के ऊपर रोटेट हो रहा हो। किसी भी एप्लीकेशन में सबसे कॉमन एक्शन हमारे पास में अंडू होता है, कंट्रोल जी। मैंने वापस अपने आर्टवर्क को इसके एक्चुअल साइज में शिफ्ट किया है जब मैंने फाइल ओपन की थी, उस एतबार से अंडू करते हुए। व्यू मेन्यू में जाके आप हाइट कर सकते हैं बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स हाइट हो जाएगा। अगर दोबारा ऑन करना चाहें तो सेम बात है, व्यू मेन्यू एंड शो बाउंडिंग बॉक्स, और बाउंडिंग बॉक्स को दोबारा देखा जा सकता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न इट ऑफ अगेन। व्यू मेन्यू एंड हाइट बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स को मैंने हाइट कर दिया। स्केल टूल ले रहा हूँ। आप स्केल टूल लेते हैं तो आपको एक प्लस आइकॉन देखने को मिलता है। ये प्लस आपसे डिमांड कर रहा होता है कि मुझे बेस पॉइंट बताइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्ट बोर्ड की सेंटर में ये जो व्हाइट रेक्टेंगल हमारे पास आ रही है, इसको हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं, इसमें क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे साइन कलर की आपके पास में जो है वो पेन मौजूद। क्लिक एंड ड्रैग। जैसे जैसे इस पेन के करीब मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट छोटा होगा, और जैसे जैसे इस पेन से अवे जाऊँगा ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात होगी जो अभी हम बाउंडिंग बॉक्स की मदद से स्केल को डील कर रहे, बट इट्स हेल्प यू अलॉट इन सम केसेस। अंडू। किसी भी टूल के ऊपर अगर आप डबल टैप करते हैं तो उस टूल का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। इस वक्त में इसका स्केल 100% पे है। नॉन यूनिफॉर्म स्टेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली एक वैल्यू चाह रहे हैं और वर्टिकली एक वैल्यू चाह रहे हैं, अनबैलेंस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल के अंदर फॉल करता है। मैं नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू नहीं चाह रहा, सिंपली क्लिक ऑन यूनिफॉर्म। 100% पे मौजूद है 200। अगर प्रीव्यू की ऑप्शन चेक्ड होगी तो आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, अदरवाइज आपको आपका एक्चुअल आर्ट वर्क ही नजर आ रहा होगा। प्रीव्यू मैंने चेक कर लिया है। एफ आई क्लिक ओके तो मेरा एग्जिस्टिंग आर्ट वर्क जो है वो स्केल अप हो जाएगा। लेट्स जस्ट डू दैट। ओके, तो मेरा सिलेक्टेड आर्ट वर्क जो है वो इस वक्त में स्केल अप हो चुका है। अंडू, कंट्रोल जी, डबल क्लिक ऑन द स्केल मेन्यू, 200%। प्रीव्यू चेक है मेरे पास में। स्केल कॉर्नर्स, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है उनको भी अगर आप कैरी करना चाह रहे हैं अपने साथ स्केल फैक्टर में तो चेक कर देंगे इन बॉक्सेस को। एंड हिट ऑन कॉपी। अगर आपको एक्चुअल आर्टवर्क के अलावा एक न्यू स्टेट चाहिए 200% के ऊपर अपने ही आर्टवर्क की, तो आप कॉपी के आइकॉन पे क्लिक कर दें। इस वक्त में मेरे पास में दो आर्टवर्क्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक 100% स्केल पे है जब मैंने फाइल ओपन की थी, और एक 200%
वैल्यू के साथ स्केल अप होगी हमारे सामने मौजूद। थैंक यू।